हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। एंड ये पार्ट टू है आपका चैप्टर फाइव, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। ठीक है, तो हम सेल ऑर्गेनल्स को इस चैप्टर में स्टडी करने जा रहे थे। कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स स्टडी करने हैं हमें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है ये बिल्कुल न्यूक्लियस के पास में ही प्रेजेंट होती है, ज्यादा दूर नहीं होती है। अगर इसका मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये एक न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हो गई। मैं यहाँ पे पोर नहीं बना रही हूँ, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था आप लोगों को। बस यहाँ पे मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाना चाह रही हूँ आपको। ये इस टाइप से होती है, ट्यूब्यूल के फॉर्म में ये स्ट्रक्चर होता है। इसमें ट्यूब्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल जो इसकी मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, कुछ इस तरह का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर हम डिटेल में देखेंगे। और ये फिक्स शेप नहीं होता है, समटाइम इट मे बी सर्कुलर और इन द फॉर्म ऑफ ओनली ट्यूब्यूल्स, और कभी कभी ये इस तरह से भी निकला हुआ होता है। ठीक है, और अभी मैंने सिर्फ ये एक टाइप का बनाया है SER, ये दो टाइप का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका दो टाइप का होता है, SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सिंपल इसी टाइप का होता है, उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होती है। बट जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है RER कैसा होता है, उसके ऊपर इस तरह के डॉट 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 स्ट्रक्चर होते हैं। रफ का मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको टच करेंगे तो रफ जैसा फील आना चाहिए। ठीक है, ये क्या है जो डॉट 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 वाले स्ट्रक्चर्स इसके ऊपर चिपके हुए हैं, ये है राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये दो टाइप की होती है, SER जो होती है बिल्कुल स्मूथ, RER जिसके ऊपर चिपके हुए होते हैं राइबोसोम्स। दोनों के ही अलग अलग फंक्शंस हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। क्या फंक्शंस होंगे, हम SER को पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फंक्शन करती है फैट एंड लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, फैट एंड लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म, फॉर्मेशन, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह के जितने भी काम होते हैं वो SER या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है। और ये देखो, द SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड, इम्पोर्टेंट फॉर द सेल फंक्शन। ठीक है, SER में जो लिपिड्स एंड फैट बनते हैं वो क्या होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं उसमें, कुछ एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये फंक्शन करते हैं, सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, मैंने बताया था आपको प्रोटीन एंड लिपिड की बनी हुई होती है सेल मेम्ब्रेन, तो उसमें भी लिपिड होता है। और वो लिपिड कहाँ से जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, वहीं से निकलकर लिपिड जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अपने आप मेम्ब्रेन बन रही है, बायोजेनेसिस हो रही है उसकी, तो इस प्रोसेस को भी मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताई दिया आपको कि प्रोटीन्स जो बनती हैं और लिपिड्स जो बनते हैं वो फंक्शन करते हैं एंजाइम्स एंड हार्मोन की तरह हमारी बॉडी में। अब बात कर लेते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो रफ इसलिए क्योंकि वहाँ राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और राइबोसोम्स क्या करते हैं, साइट प्रोवाइड करते हैं, जगह प्रोवाइड करते हैं फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन के बनने के लिए वो साइट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन्हें क्या, ये इनका मेन फंक्शन क्या हो गया, प्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है, और प्रोटीन एक मेन बिल्डिंग ब्लॉक है सेल के लिए, हमारी बॉडी के लिए, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। क्लियर, देख लेते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा अगर इसमें, आई डोंट थिंक इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो मूव करते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल पर, दैट इज गॉल्गी एपरेटस। गॉल्गी एपरेटस का स्ट्रक्चर मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ, देन वी विल स्टडी द फंक्शंस। गॉल्गी एपरेटस को कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है, पैरेलल स्ट्रक्चर्स होते हैं ये इस तरह से। ठीक है,
इन्हें हम सिस्टोन्स बोलते हैं। इसके पास में ये वेसिकल्स भी बनी रहती हैं। ये वेसिकल्स एक्चुअली इसी से कट कर अलग हुई होती हैं, इस तरह से कट जाता है और ये वेसिकल के फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, दोनों साइड ये वेसिकल्स प्रेजेंट होंगी। गॉल्गी एपरेटस को डिस्कवर किया था कैमिलो गॉल्गी नाम के एक साइंटिस्ट ने। उनके बारे में यहाँ पे डिटेल में आपको दिया हुआ है ऊपर में, अगर आप स्टडी करना चाहें तो स्टडी कर सकते हैं। बट उसमें सिर्फ एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था। ठीक है, तो वो अभी मैं बता दूंगी आपको। कैमिलो गॉल्जी ने डिस्कवर किया था गॉल्गी एपरेटस, एंड गॉल्गी एपरेटस का स्ट्रक्चर इस तरह से पैरेलल सिस्टर्न्स या स्टैक्स प्रेजेंट हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज्ड एंड डिस्पैस्ड टू द वेरियस टारगेट्स इनसाइड द आउटसाइड द बॉडी। इसीलिए इसे और एक नाम दिया जाता है, गॉल्गी एपरेटस को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, सभी के कुछ ना कुछ नेम हैं, उन्हीं नेम से हमें उसका फंक्शन लर्न हो जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है, किस चीज को किस तरफ जाना चाहिए, कौन सी प्रोटीन पैक होकर किस टारगेट तक जाएगी, ये डिसाइड करता है गॉल्गी एपरेटस। ठीक है, तो ये ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल है। द फंक्शन इंक्लूड्स द स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। ये आसपास मैंने बनाई छोटे छोटे सर्कुलर वेसिकल्स, इन्हीं में ये पैकेज करता है, इन सम जितने भी लिपिड प्रोटीन फैट ये सब बनता है उसे ये पैक करता है। कॉम्प्लेक्स सुगर्स मे बी मेड फ्रॉम सिंपल सुगर इन द गॉल्गी एपरेटस। द गॉल्गी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम पढ़ने से पहले एक बार कैमिलो गॉल्जी का देख लेते हैं, इन्हें नोबेल प्राइज किस लिए दिया गया था। ये एक चीफ मेडिकल ऑफिसर थे एक हॉस्पिटल क्रॉनिकली हॉस्पिटल में, वहाँ पे इन्होंने स्टडी किया था, इन्वेस्टिगेट किया था नर्वस सिस्टम को। ठीक है, इसी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था 1906 में। अब हम स्टडी करेंगे एक बार लाइसोसोम्स को। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इन्हें, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स फिल्ड होते हैं और अगर ये बर्स्ट हो गया तो ये पूरी की पूरी सेल को डाइजेस्ट कर लेगा, पूरी की पूरी सेल की डेथ हो जाएगी, इसलिए इसे बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है अगर सेल में कोई इंजरी हो गई है या कोई फॉरेन सब्सटेंस आ गया है तो उसे डाइजेस्ट करना। ठीक है, अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस या बाहर से कुछ आ गया है तो उसे डाइजेस्ट कर देता है ताकि सेल को कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए। प्लस इसका एक और फंक्शन है, इंजरी के टाइम पे अगर सेल खराब हो रही है तो जो नेबरिंग सेल्स हैं उन्हें बचाने के लिए क्या करता है, पुरानी सेल्स को डाइजेस्ट कर देता है जो सेल अब फंक्शन में नहीं है। तो इस तरह से ये आसपास की सेल्स को भी बचाता है या फिर इन्फेक्शन से बचाता है, जो फॉरेन मटेरियल्स अंदर आ जाते हैं उनसे बचाता है सेल को। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, क्योंकि इसके बर्स्ट होने पर सेल डाइजेस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर बनेगा आपका। जब मैंने इसे स्टार्टिंग में बनाना सीखा था तो मुझे बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लगता था, अब थोड़ा सा इजी हो गया है। इसके अंदर सेल्फ का डीएनए होता है, थोड़ा सा अपना डीएनए भी होता है इसके अंदर। वैसे तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जिनके अंदर अपना डीएनए एंड प्लस कुछ राइबोसोम्स होते हैं, जिसकी हेल्प से क्या करता है, ये अपनी कुछ प्रोटीन खुद भी बना लेता है। ठीक है, इसके अलावा जो इसका मेन फंक्शन है वो है एटीपी फॉर्मेशन। इसीलिए इसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि एटीपी क्या है, एनर्जी जनरेटिंग केमिकल, एनर्जी जनरेटिंग सब्सटेंस है। ठीक है, एटीपी को करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ये एनर्जी का काम करता है। इसमें से बॉन्ड ब्रेक होते हैं तभी बॉडी को एनर्जी मिलती है और इसे बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए ये है पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आपके दो टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट।
क्रोमा मीन्स होता है कलर, एक कलरफुल प्लास्टिड्स होंगे और दूसरे ल्यूकोप्लास्ट यानी व्हाइट या कलरलेस प्लास्टिड्स, ठीक है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है आपका वो है क्लोरोप्लास्ट। जो ग्रीन कलर का होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। और भी कलर के प्लास्टिड्स होते हैं, येलो, रेड, पिंक, सभी कलर के प्लास्टिड्स होते हैं, बट उसमें से जो ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड होता है उसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और ये ग्रीन कलर सब्सटेंस कौन सा होता है, ये सब्सटेंस होता है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल की वजह से ये प्लास्टिड ग्रीन दिख रहा है। और ये किस चीज में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस है अपना खाना खुद बनाने की प्रोसेस। प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ये ऑटोट्रॉपिक क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और ये अपना खाना खुद से बनाते हैं। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का क्या फंक्शन है? वैक्यूल्स स्टोरेज सैक की तरह काम करती हैं। एनिमल सेल में अगर हम देखेंगे तो वैक्यूल्स बहुत छोटे छोटे साइज की होती हैं, बट अगर प्लांट सेल की बात की जाए तो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। अराउंड 50-90% स्पेस वो वैक्यूल ही कवर कर लेती है इसमें, ठीक है। वैक्यूल स्टोरेज सैक होती हैं, सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट्स इसके अंदर भरे रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल सैप। जो भी भरा रहता है उसे हम बोलते हैं सेल सैप। यू कैन नोट डाउन दिस। और ये क्या, किस चीज में हेल्प करती हैं? हेल्प करती हैं ये जो भी फंक्शन हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, लाइक रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन, इन सब में जो मटेरियल्स बनते हैं उन्हें स्टोरेज एंड उसके रिमूवल में हेल्प करती है ये, इसीलिए ये क्या है। तो इस तरह से हमने बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल देखे, सेल का स्ट्रक्चर देखा, सेल के फंक्शन को भी समझा। उस बेसिस पर क्या हम ये कह सकते हैं कि सेल के बिना हमारा जीवन नहीं चलने वाला है? सेल हमारी लाइफ की बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, हमें बनाने वाली यूनिट है, हम बिल्कुल कह सकते हैं। क्योंकि सेल के अंदर ही रेस्पिरेशन हो रहा है, CO2 रिमूवल, O2 इनटेक, ये सारा हमारा सेल के अंदर हो रहा है। ग्लूकोज से एनर्जी फॉर्मेशन यानी ATP बनाना भी सेल के अंदर ही हो रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो मेन न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इस तरह के जो मेन फंक्शंस, मेजर फंक्शंस होते हैं वो हर एक इंडिविजुअल सेल में हो रहे हैं हमारी बॉडी के। तो अगर ये फंक्शन नहीं होंगे तो हमारी बॉडी वर्क नहीं कर सकती है। तो हमारी बॉडी की फंक्शनल यूनिट तो सेल हो गई, अब हमारी बॉडी बनी भी सेल से है। आप एक दीवार देखिए, दीवार में क्या छोटी छोटी ईंटें लगी हुई होती हैं, उस तरह से समझिए। एक छोटी सी ईंट की कोई अलग से आइडेंटिटी नहीं है, बट अगर उससे हमने एक बड़ा सा घर बना दिया तो उसमें बहुत सारी दीवारें लगी हैं और वह एक फंक्शन परफॉर्म करने लगा, हम उसके अंदर रह सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी सेल्स ने मिलकर हमारी बॉडी को बना दिया। तो सेल्स हमारी बॉडी की फंडामेंटल यूनिट भी हैं। तो इस तरह से हम ये दोनों वर्ड्स को मिलाकर क्या बोल सकते हैं, द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, इट इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये जस्टिफाई हो गया हमारा इतना स्टडी करने के बाद। अब हम सेल डिवीजन को देखेंगे। सेल डिवीजन में क्या होता है, सेल डिवीजन दो टाइप से होता है, एक होता है मियोसिस एंड द अदर वन इज द माइटोसिस। कौन कौन से होते हैं सेल डिवीजन? पहला माइटोसिस, दूसरा मियोसिस। क्या होता है माइटोसिस एंड मियोसिस में? माइटोसिस क्या होता है, नॉर्मल जो हमारी बॉडी, कभी अगर हम कहीं कट जाते हैं या जल जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कुछ टाइम के बाद वहां पे न्यू स्किन आ जाती है। वो न्यू स्किन कहाँ से आ गई, कहाँ से बन गई वो न्यू स्किन? हमारी बॉडी में इस तरह के जितने भी इंजरीज होती हैं उन्हें हील कर लिया जाता है बॉडी के थ्रू, बट वो हीलिंग की प्रोसेस में वो स्किन जो हमारी चली गई थी अब वो वापस कैसे आ गई,
वो वापस आई है सेल डिवीजन के थ्रू, उसके आसपास की जो सेल्स थी उन्होंने डिवाइड किया और एक से दो, दो से चार, आठ ऐसे बनी, बहुत सारी सेल्स बन गई और उस जगह को उन्होंने कवर अप कर लिया। और ये डिवीजन किस टाइप से हुआ? माइटोसिस से हुआ, ठीक है। माइटोसिस के डिवीजन में, माइटोसिस डिवीजन का मेन फंक्शन बॉडी की ग्रोथ करना एंड इंजरीज को हील करना, ये दो काम मेजर हैं माइटोसिस के, और ये हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली होते रहते हैं। इसमें क्या होता है, एक सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बना लेती है, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जितने होंगे, यानी कि अगर हम एज्यूम कर लें इसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो इन दोनों सेल्स में सेपरेटली 46 एंड 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे, ठीक है, कम या ज़्यादा नहीं होंगे। इसे हम माइटोसिस बोलते हैं। दूसरा डिवीजन जो होता है वो जर्मिनेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए होता है, ठीक है। ये जर्म सेल्स में होता है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, एक डिवीजन से चार डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, डॉटर सेल्स बनते हैं। यहाँ पे मियोसिस को दिखाया गया है, यहाँ पे वन सिंगल सेल्ड है, सिंगल सेल है ये, 1 2 3 4 क्रोमोसोम्स हैं। तो हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम पहुंच रहे हैं, एक सेल से 1 2 3 4 सेल्स बनी हैं, और 4 सेल्स में 2 एंड 2, यहाँ पर भी 2 दिख रहे हैं आपको सभी में। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया, हाफ हो गया, 4 से क्या हो गया, 2 हो गया। तो मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, और ये कहाँ हेल्प करती हैं, गैमीट फॉर्मेशन में, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग्स बच्चे होने के लिए जरूरी है, ताकि जो जनरेशन है वो आगे बढ़ती रहे, उसके लिए मियोसिस का सेल डिवीजन होता है, ठीक है। इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। जल्दी मिलते हैं इंटेक्स क्वेश्चंस के साथ में। हम इंटेक्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके जो वीडियोस हैं वो मिस ना होने पाएँ और आपकी स्टडी कॉन्टिन्यूस रहे, ठीक है। तब तक के लिए फिर बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।